नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। आज जिला कांग्रेस कमेटी फतेहाबाद ने बिजली पानी की किल्लत की समस्या को लेकर के बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेसियों ने रेस्ट हाउस में इकट्ठे होकर के रेस्ट हाउस से लेकर के भगवान परशुराम चौक तक मटका फोड़ बिजली की ट्यूबलाइटें फोड़ कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अध्यक्षता कांग्रेस के जिला प्रभारी ओम प्रकाश केरवाला ने की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिला प्रभारी ने कहा कि बीजेपी सरकार सत्ता में जब से आई है बिजली और पानी की व्यवस्था चरमरा चुकी है, जिसके कारण किसान सुसाइड करने को तैयार हैं। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह धरने दिए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। कांग्रेस ने फतेहाबाद में जोरदार प्रदर्शन किया और रैली निकाली। अब देख रहे हैं पल पल फतेहाबाद से सुरेश मेहरा की ये रिपोर्ट। और लाइट को ये फैसला किया है क्योंकि लाइट का और जो पानी की इतनी लोगों में परेशानी है कि पानी अगर ये नहर का पानी है और एक महीने में दो एक हफ्ता लाइट वो पानी आता है तो उसमें भी तीन दिन काट दिया जाता है, आधा पानी दिया जाता है। किसान पूरी तरह से परेशान है, लोगों को पीने का पानी भी नहीं है। लोगों को पानी पीने के लिए कई टैंकर जो है वो उसका यूज कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि पानी की कम से कम पीने का पानी तो दें सरकार। गटर साहब, मोदी जी, आप लोग कह रहे थे कि हम लोग किसानों को, आम आदमी को हम सुविधा देंगे, क्या ये सुविधा है? कि जैसे लाइट की बात है, लाइट का जो है बीच में एक एक घंटे दो दो घंटे कट लगा लेते हैं ताकि लोग परेशान होते हैं इस गर्मी के टाइम में। लोगों को अब तो चलो परमात्मा ने सुन ली, बारिश हुई है यहाँ पर लोगों की इतना बुरी स्थिति थी कि छह घंटे अगर लाइट का टाइम है तो तीन घंटे बीच में कट लग जाया करता था। तो हमारी मांग है सरकार से कि बिजली और पानी की व्यवस्था सही ढंग से किया जाए, क्योंकि आज जो जनता है वो हर वर्ग दुखी है। तो लोग ये चाहते हैं कि ये सरकार जल्दी से इसका पीछा छुड़ाया जाए। सरकार आज आप ये हजूम कह रहा है, लोगों की आवाज कह रही है कि मोदी जी और हरियाणा के खट्टर साहब आप जाइए, हम या कांग्रेस की सरकार लाएंगे। लोगों की एक भावना है, लोगों की एक तमन्ना है। आगे की गारंटी रहेगी सर? हमारी यही रहेगी कि अगर सरकार के खिलाफ हम लोग इसी तरह से प्रदर्शन, इसी तरह से लोगों के बीच में जाएंगे और घर घर जाएंगे और लोगों को ये बताएंगे कि ये सरकार की नीति क्या कर रही है। आज क्या किया गया सर? हाजी, आज क्या किया गया? आज ये हम प्रदर्शन कर रहे हैं, मटका फोड़ और ट्यूबलाइट पूरे हरियाणा में हो रहा है। कर रहे हैं ना पानी मिल रहा है ना बिजली मिल रहा है, इसलिए मटका फोड़ और ट्यूबलाइट तोड़ का कार्यक्रम पूरे हरियाणा में अध्यक्ष डॉक्टर सत्यवर सिंह की रहनुमाई में उनके आदेश अनुसार हो रहा है। लोग बहुत त्रस्त हैं इस सरकार से भी, और जैसे कि ओम प्रकाश केरवाला जी ने और यहाँ के जो लोग बता रहे हैं कि लोगों में बहुत बड़ी बेचैनी है और जल्दी से जल्दी बीजेपी सरकार जानी चाहिए और कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। धन्यवाद। क्या नाम?